स्त्री के पार्थ्री में अक्षय कुमार संग होगा स्त्री का घमासान, कहानी में आएगा ट्विस्ट। एक्ट्रेस बोली, मुझे डर है। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री टू सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने लगभग 450 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर स्त्री टू ने 600 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है। फिल्म के दमदार सक्सेस के साथ ही स्त्री थ्री की चर्चा भी तेज हो गई है। हाल ही में एक्टर अभिषेक बनर्जी ने स्त्री थ्री को लेकर एक इंटरव्यू में बात की थी। अब स्त्री टू में स्त्री चुड़ैल का रोल निभा चुकी एक्ट्रेस भूमि राजगोर ने इस पर बात की है। स्त्री टू में दर्शकों को एक बड़ा सरप्राइज मिला था। फिल्म में अक्षय कुमार मजेदार रोल में नजर आए। फिल्म के एंड तक अक्षय को एकदम अलग अवतार में दिखाया गया, जिससे दर्शकों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि स्त्री थ्री में भी जल्द ऑडियंस को देखने के लिए मिलेगी और एक्टर इसका बड़ा हिस्सा हो सकते हैं। इस बारे में भी बात होनी शुरू हो गई थी कि स्त्री के पार्ट थ्री में स्त्री और अक्षय कुमार के बीच अच्छा खासा बैटल देखने के लिए मिल सकता है। यही सवाल भूमि राजगोर ने एक इंटरव्यू में सवाल का जवाब दिया। बातचीत में भूमि ने कहा कि स्त्री टू में काम करने को लेकर उन्होंने सबसे पहले बात की। इस बातचीत में उन्होंने ये भी बताया कि क्या अक्षय कुमार और स्त्री को स्त्री के पार्ट थ्री में एक दूसरे से लड़ते देखा जा सकता है या नहीं। इस पर उन्होंने कहा, स्त्री के पार्ट थ्री में अक्षय कुमार संग उनकी लड़ाई होती है तो वो डरी हुई होंगी। इसका कारण अक्षय को मार्शल आर्ट्स आना है। उन्होंने कहा, मैं श्योर हूँ कि स्त्री का पार्ट थ्री बनेगा। इस फिल्म के सुपर सक्सेस और मार्वल जैसे यूनिवर्स को देखते हुए बात तो पक्की है। मैं सही में डर जाऊंगी क्योंकि अक्षय को मार्शल आर्ट्स आती है, वो उसमें काफी एक्सपर्ट है। भूमि ने ये भी बताया है कि फिल्म स्त्री टू में काम करने के दौरान उन्हें पूरी स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी। मेकर्स इस बात को छुपा कर रखना चाहते थे कि वो स्त्री का किरदार निभा रही हैं। एक्ट्रेस ने बताया, सभी को लग रहा था कि श्रद्धा स्त्री है तो स्त्री की सच्चाई किसी भी हाल में लीक नहीं हो सकती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी स्क्रिप्ट पढ़ी थी। उन्होंने ये भी बताया था कि क्लाइमेक्स शूट के दौरान उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के फोन पर उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ने दी गई थी। एक्ट्रेस ने फिल्म के सेट पर हुआ एक फनी किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि जब भी कोई एक्टर सेट पर आता था तो उसके किरदार से जुड़े गाने चलाए जाते थे। भूमि राजगोर फिल्म में स्त्री का रोल कर रही थी तो उनके आने पर गुमनाम है कोई गाना चलाया जाता था। एक्ट्रेस ने कहा कि ये बहुत मजेदार था और मूड अच्छा कर देता था। फिल्म स्त्री टू फोर्टी श्रद्धा, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना लीड रोल में थे और ऑडियंस को फिल्म काफी पसंद आई। अब स्त्री के पार्ट थ्री का सभी को इंतजार है। खैर दोस्तों, उसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।